वेरी गुड इवनिंग नम्रता, प्रीति, कुसुमलता, सभी को गुड इवनिंग। चलिए पढ़े बेटा, आ गए सब भाई बंधु। हाँ गुड इवनिंग भावना। मार्कर कहाँ रख दिए यार? मार्कर मार्कर मार्कर। चलिए हाँ कौशिक, वेरी गुड इवनिंग। चलिए बेटा गुड इवनिंग सभी को। पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ तो कल मैंने आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझाया था कि डीएनए की जो पैकेजिंग है वो कैसे होती है। अब इसमें दो टर्म और आपके पूछे जाते हैं, एक है यू क्रोमेटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, दो टर्म है, कौन कौन से हैं? यू क्रोमेटिन, यू क्रोमैटिन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा टर्म है हेट्रो क्रोमैटिन। ठीक है, ये आपको याद रखने ही काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं उसे जरा ध्यान से सुनिए। यू क्रोमेटिन होते क्या है? सबसे पहली बात, यू क्रोमेटिन क्या होते हैं कि हमारा जो डीएनए है, जब डीएनए की पैकेजिंग होती है ना, क्या होती है? जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो उस टाइम पर कुछ जो क्रोमेटिन फाइबर है वो अगर लूजली अरेंज होता है। ठीक है, अगर डीएनए की पैकेजिंग हो रही है, देखो डीएनए की पैकेजिंग होती है तो डीएनए ऐसे 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 आपस में क्वाइल कर जाता है। पता है ना, आपको कल ही बताया था कि जब वो डीएनए क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है तो आपस में अपने ऊपर ही क्वाइल करना स्टार्ट कर देता है। तो क्रोमोसोम की पैकेजिंग के टाइम पर जब क्रोमेटिन थ्रेड है, क्रोमेटिन थ्रेड कुछ स्थानों पर, कुछ प्लेसेस पर लूजली फोल्ड होता है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग सम पार्ट ऑफ डीएनए इज लूजली बाइंड विच लाइट इन कलर एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए। सुनिएगा, वेरी गुड इवनिंग आर्यन। सुनो, यू क्रोमेटिन क्या होता है कि जब डीएनए की पैकेजिंग हो रही होती है तो डीएनए की कुछ क्वाइल हैं वो कैसे लूजली पैक्ड होते हैं, मीन ज्यादा वहां पर कंडेंस नहीं होते, जिसके कारण देखो यहाँ पर ज्यादा कंडेंस है और ज्यादा कंडेंस होने के कारण ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है डार्क, और यहाँ पर कंडेंस नहीं है तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? लाइट कलर का दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें जो पैकेजिंग है, इस वाले में जो पैकेजिंग है वो कैसी है? लूजली है। ठीक है, और लूजली होने के कारण इसमें एवरी बेस पेयर को हम इजिली पढ़ सकते कि यहाँ पर ए है, टी है, सी है, जी है, तो लूजली अरेंज होने के कारण ये लाइट कलर का दिखाई दे रहा है, और साथ के साथ इसके जो बेस पेयरिंग है उनकी डिकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बेस पेयरिंग की हम क्या कर सकते हैं? डिकोडिंग कर सकते हैं, और जब बेस पेयरिंग की हम डिकोडिंग कर देंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब इसकी सारी बेस कोडिंग को हमने पढ़ लिया तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डीएनए से हम आरएनए इजीली बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सभी जानते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वाला जो लाइट स्टेन है, जो लाइट कलर का डीएनए आफ्टर पैकेजिंग दिखाई दे रहा है, उसके सारे जो न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस है
उन्हें हम डिकोड कर सकते हैं और डिकोडिंग के कारण उस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए से हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए, क्योंकि इस डीएनए का क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बन सकता है। बात समझ गए इतनी? अब दूसरा समझिए, दूसरा क्या था, हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, एट द टाइम ऑफ, जस्ट इसका अपोजिट, एट द टाइम पैकेजिंग, एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग सम पार्ट ऑफ डीएनए इज डेंसली डेंसली अरेंज्ड, डेंसली अरेंज्ड विच डार्क इन कलर, डार्क इन कलर, ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली नॉन एक्टिव पार्ट ऑफ डी एन ए, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, जब पैकेजिंग होती है तो इस तरीके से अपने ऊपर बहुत सारा क्या बना लेता है, कॉइलिंग कर लेता है, जिसके कारण ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, तो इसमें दिखाई नहीं देता कहाँ पर ए है, कहाँ पर टी है, कहाँ पर सी है, कहाँ पे जी, देखो आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये कैसा है, डेंस है। अब जब ये इसके सारे बेस सिक्वेंस दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इससे कैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है, तो इससे इजिली आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना, इससे आरएनए का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, नॉन एक्टिव सेगमेंट है डीएनए का, समझ गए। तो ये आपसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि जो यू क्रोमेटिन है और हेट्रोक्रोमेटिन है, वहां से क्वेश्चन आपके अभी तक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी बहुत सारी बार पूछे जा चुके हैं। बात समझ गए इतनी, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, किस कलर का होता है, ये भी पूछ सकते हैं, यू क्रोमेटिन किस कलर का होता है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है, ये सारी चीजें आपकी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो। ओहो, नोट कहाँ से करें, मैम आपकी वीडियो ही नहीं दिख रही, क्यों ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, क्या हो गया, वीडियो नहीं शो हो रही, वीडियो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, एक मिनट बेटा रिज्वाइन करना, ठीक है फिर से।